नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सब लोग अच्छी प्रकार से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त जय प्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा YouTube चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मैंगो प्लांट की जो फ्लावरिंग आई हुई है उसको कट करके दिखाने वाला हूं आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर। आप सभी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैंगो प्लांट में फ्लावरिंग को कैसे कट किया जाता है, इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग संबंधी में जो भी चैनल पर वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिल सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करता हूं स्टार्ट। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बनाना मैंगो की वैरायटी है और इस पौधे को मैं ऑनलाइन मंगाया था और ये पौधा मैंने मिट्टी के करीब 16 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और बहुत बढ़िया तरीके से ये ग्रो कर रहा है। इसमें फ्लावर देखिए अभी आया हुआ है, रेड कलर का फ्लावर देखिए आता है बनाना मैंगो में, आप देख सकते हैं। ये फ्लावर कट कैसे किया जाता है मैं आपको बताने वाला हूं। जब स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्लावर निकल जाए तब आपको कट नहीं करना है, फ्लावर जब पूरा निकल जाए तभी कट करना, क्योंकि पौधा छोटा है इसलिए छोटे छोटे फ्लावर इसमें आ रहे हैं। टहनी आप देख लीजिए कितनी पतली है, अगर मैं इसमें एक भी फ्रूट ले लूँगा तो ये पौधा शायद अगले सीजन में ज़िंदा ही ना बचे। तो इसलिए मैं पौधे को ज़्यादा ग्रोथ देने के लिए इसके फ्लावर को कट करूँगा। कट करने का तरीका देख लीजिए, यहाँ से ये निकला हुआ है तो आपको ऐसे फ्लावर को पकड़ लेना है और ऐसे तोड़ देना है। ये देख लीजिए बहुत ही आसान होता है। मैं अभी ये चारों फ्लावर कट करके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए ऐसे पकड़ के, ये देखिए बहुत ही आसान होता है। ये देखिए कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होती फ्लावर कट करने में। और एक फ्लावर देखिए यहाँ पर है, कभी कभी जो है ऐसा हो जाता है कट करते वक्त नीचे से था। ये देख लीजिए फ्लावर कट हो गया, यहाँ कट हो गया और यहाँ कट हो गया। कोशिश करें कि एक बार में ही कट हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर से निकला हुआ था इसलिए ऐसा हो गया, ऊपर से टूट गया था। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से मैंने इसकी भी कटिंग कर दी। ये देखिए फ्लावर, इन फ्लावरों को मैं हटा दूँगा। अगर आप यहाँ चाहें तो एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से फ्लावर कट करने के बाद आपको एलोवेरा जेल लगा सकते हैं या फिर जो फंगिसाइड आता है साफ वाला वो लगा सकते हैं। ये देखिए हल्का हल्का यहाँ लगा देना है, बहुत बढ़िया होता है, ये फंगिसाइड का काम करता है। फंगिसाइड जो आप लोग यूज़ करते हैं साफ वाला वो भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया होता है। फिलहाल मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है एलोवेरा जेल लगा रहा हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान होता है मैंगो प्लांट की फ्लावरिंग को कट करना। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से मैंने इस मैंगो प्लांट की फ्लावरिंग को काट दिया। अब ये पौधा बहुत तेज़ी से बड़ा होगा और नेक्स्ट ईयर में फ्रूटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। पहली फ्लावरिंग थी इसलिए मैंने इसको काट दिया। कहते हैं आम का पहला जो फूल होता है वो काटने से पौधा बहुत अच्छी तरीके से चलता है, तो उसी कड़ी में मैंने भी कदम बढ़ाया है और इसके फ्लावर को काट दिया है। और पौधा आप देखेंगे कुछ दिनों में नई नई शाखाएँ इसमें निकलने लगेगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंगो प्लांट की फ्लावरिंग कट के ऊपर था। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।